मेरे यहाँ पर, मैं अभी एक ब्रेकिंग दिखाने जा रहा हूँ, अभी तेजस्वी की एक जरा ब्रेकिंग दिखाएं यहाँ पर, बड़ी हैरान करने वाली एक जानकारी आ रही है। उसके बाद मेरे बाकी मेहमान अरविंद जी भी आ चुके हैं। अरविंद जी स्वागत है आपका। रुझानों में पिछड़ने के बावजूद आरजेडी का बड़ा दावा, तेजस्वी की पार्टी ने किया सरकार बनाने का दावा, सभी जिलों से हमारे पक्ष में रुझान, आरजेडी ने कहा है, पूरी काउंटिंग तक एजेंट प्रत्याशी सेंटर पर बने रहे। मेरे साथ रूपेश है, सीधे रूपेश पूरी जानकारी दे इस खबर पर। देखिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात हो रही है और संजय सिंह हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह हैं और 4 से 5 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन विधायकों ने भी कहा है जब भाजपा विधायक दल की बैठक होगी तो उस बैठक में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, वो अपने पार्टी के विधायक दल की बैठक में वो मांग उठाएंगे। एनडीए की जब बैठक होगी तो वहाँ क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब विधायक दल की बैठक होगी तो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहते हैं। देखिए, पहले से घोषित उम्मीदवार हमारे नेता नीतीश कुमार जी, इसमें ईफ अगर बट का सवाल नहीं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पहले कह चुके हैं, चुनाव के बीच में कहें, इसलिए इसमें ईफ अगर बट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बनेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ कहती है कि अब मुख्यमंत्री, हम बड़े दल हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री हमारा होगा, ऐसा सवाल ही नहीं है, तो नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे? अगर अगर भाजपा अगर कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, ये आप लोग पलटी मरवा रहे हैं। हम क्यों पलटी मारेंगे? ये हम लोग पलटी थोड़े मारेंगे। तो घोषित नीतीश कुमार को पिछले साल से आधी सीटें पर हम थोड़े लाए हैं, आपको वोट कम मिले हैं, आपको सीटें कम मिली हैं, आप पिछली बार 71 पर थे, आप 40-45 पर इस बार हैं। मतगणना चालू है, अभी बहुत टाइम है। तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहते हैं। अगर दिन में सपना देखते हो कोई रुकने की बात सवाल ही नहीं उठता, लोग रात में सपना देखते हैं तेजस्वी यादव। ये एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।